बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फिजिकल फीचर्स ऑफ अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट आर द जनरल फिजिकल फीचर्स ऑफ अफ्रीका। इट्स आंसर इज गिवन ऑन पेज नंबर 39। सो स्टूडेंट, अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन एंड अकॉर्डिंग टू द एरिया। ठीक है, तो एशिया जो है वो सबसे बड़ा है अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी, और दूसरे नंबर पर अफ्रीका आता है। अफ्रीका एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भी अगर देखा जाए तो ये सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। स्टार्ट करते हैं। अफ्रीका इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। इट वॉज वंस नोन एज अ डार्क कॉन्टिनेंट बिकॉज ओनली द नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ द लैंड मास वेयर नोन टू बी द आउटसाइड वर्ल्ड वाइल द रेस्ट रिमेन हिडन लाइक अ मिस्ट्री इन थिक जंगल्स दैट वर इम्पॉसिबल टू एक्सप्लोर। अच्छा, अफ्रीका के बारे में कहा जाता है कि ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगलात हैं, घने जंगलात की वजह से ये मशहूर है, फेमस जो है वो ज़्यादा उन वहाँ के जंगल्स की वजह से है। अच्छा, अफ्रीका को अगर हम देखें तो इसका मैप मैं दिखाती हूँ आपको। जी, ये अफ्रीका है। इसका अगर हम देखें तो इसका अफ्रीका कुछ इस तरीके की इसकी पोजिशन है कि इसका नॉर्दर्न यानी ये ज़्यादा जो लाई कर रहा है कहाँ पर, नॉर्थ पार्ट में और ईस्ट पार्ट में। ठीक है, साउथ पार्ट में ये देखो ये का पार्ट इसका कम है, ठीक है, वेस्ट में भी कम है, तो ज़्यादा इसका जो पार्ट लाई कर रहा है वो नॉर्थ और ईस्ट। अफ्रीका के बारे में ये है कि काफ़ी अरसे तक जो इसका नॉर्दर्न वाला पार्ट है, ठीक है, उसको तो जानते रहे, लोग जानते थे उसको, लेकिन जो उसका रिमेनिंग पार्ट था जो जंगलात की वजह से हिडन था, ठीक है, जो छुपा हुआ था, तो वहाँ वो एक उनके लिए मिस्ट्री था। ठीक है, क्योंकि घने जंगलात थे तो उसको एक्सप्लोर करना एक डिफ़िकल्ट टास्क था। अब जैसे यहाँ पे लिखा है इट वाज वंस नोन एज द डार्क कॉन्टिनेंट, यानी इसको डार्क कॉन्टिनेंट भी कहते थे बिकॉज ओनली द नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ द लैंड मास वर नोन टू द आउटसाइड वर्ल्ड, यानी जो बाहर की दुनिया है वो उसका सिर्फ लैंड मास जो नॉर्दर्न साइड पर था, नॉर्दर्न पोर्शन था, सिर्फ उसको उसको जानती थी। वाई द रेस्ट रिमेन हिडन, लेकिन जो बाकी था वो रिमेन हिडन था लाइक अ मिस्ट्री की तरह इन थिक जंगल्स दैट वर इम्पॉसिबल टू एक्सप्लोर, क्योंकि थिक जंगलात थे, घने जंगलात थे, तो उसको एक्सप्लोर करना जो था वो थोड़ा नामुमकिन था। लेकिन अब टाइम टू टाइम जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई वैसे वैसे उसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया है। नेशनल ज्योग्राफिक पे भी आप उसकी बहुत सारी वीडियोज़ देखते होंगे। द कॉन्टिनेंट इज कवर्ड विद माउंटेन ऑन बोथ साइड इंक्लूडिंग द हायर वेस्टर्न माउंटेन इन वेस्ट सच एज द एटलस माउंटेन एंड द लोअर माउंटेन इन द ईस्ट। अच्छा जी, इस कॉन्टिनेंट को दोनों साइड से जो है वो हायर माउंटेन्स ने कवर किया हुआ है। ठीक है, वेस्ट साइड पे हायर है, ईस्ट साइड पे उसे लोअर माउंटेन है। ठीक है, हायर माउंटेन में एटलस आते हैं, ठीक है, और उससे लोअर माउंटेन जो है वो ईस्ट साइड पे है। अच्छा जी, ठीक है, इस जो कॉन्टिनेंट है अफ्रीका का, इस वो दोनों साइड से यानी ईस्ट और वेस्ट साइड से दोनों ने हायर माउंटेन्स ने कवर किया हुआ है। वेस्ट साइड पे हायर माउंटेन्स आ रहे हैं और ईस्ट साइड पे लोअर माउंटेन्स आ रहे हैं। हायर माउंटेन में एटलस बहुत फेमस माउंटेन्स हैं जिनका हम जिक्र सुनते भी हैं। द वास्ट मिडल पोर्शन कंसिस्ट ऑफ टू प्लेट्यूज। अफ्रीका का जो मिडल पोर्शन है वो दो प्लेट्यूज पे कंसिस्ट करता है। ठीक है, यानी अफ्रीका का जितना भी एरिया जिस कॉन्टिनेंट में आता है वो एरिया जो है उसका जो मिडल पोर्शन है ना वो टू प्लेट्यूज में डिवाइड होता है, यानी टू प्लेट्यूज में कंसिस्ट करता है। वन ऑफ विच इज इन द नॉर्थ, एक तो इसके नॉर्थ में है यानी अफ्रीका कॉन्टिनेंट के नॉर्थ साइड पे, और एंड इंक्लूड द सहारा। ठीक है, और इसी नॉर्थ में जो प्लेट्यूज है उसका जो ज़्यादा पार्ट है वो सहारा डेजर्ट से कवर्ड है। ठीक है, द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट, यानी सहारा डेजर्ट जो है वो लार्जेस्ट डेजर्ट है वर्ल्ड का, हॉट डेजर्ट्स में आता है, और हॉट डेजर्ट में ये सबसे जो है वो हॉट डेजर्ट है और सबसे बड़ा डेजर्ट है। अच्छा, जो कहाँ पे है, अफ्रीका के नॉर्थ साइड पे जो प्लेट्यू है उधर, जस्ट बिलो द नॉर्दर्न प्लेट्यू। नॉर्दर्न प्लेट्यू से अगर हम नीचे की तरफ यानी साउदर्न साइड पे आएँ, स्टार्ट एन अदर प्लेट्यू, एक दूसरा प्लेट्यू स्टार्ट हो जाता है विच ऑक्यूपाई द सेंटर एंड द साउथ ऑफ द कॉन्टिनेंट, जो कि
वो भी यानी जो साउथर्न साइड पे है वो भी इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सेंटर वाला पार्ट और थोड़ा सा साउथर्न कॉन्टिनेंट का साउथ वाला पार्ट जो है वो कवर्ड करता है। तो आज का ये क्वेश्चन जो है ये हम हाफ करेंगे, ठीक है। तो इस आज हम यहाँ ही तक करेंगे, बाकी रिमेनिंग हम इंशाल्लाह कल देखेंगे इसको। तो अब इसमें आप लोगों ने जिस तरीके से इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, मैं अब आपको वो मेथड बता देती हूँ। अच्छा, आंसर में आपने हेडिंग देनी है अफ्रीका की या फीचर्स, फिजिकल फीचर्स ऑफ अफ्रीका, ठीक है। क्योंकि हमसे फिजिकल फीचर्स पूछा गया है तो आप हेडिंग में फिजिकल फीचर्स ही लिखें, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर होगा। फिजिकल फीचर्स ऑफ अफ्रीका, उसके बाद आपने एक स्टेटमेंट लिखनी है, फॉलोइंग आर द फिजिकल फीचर्स ऑफ अफ्रीका, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट आप लिखेंगे, उसके बाद आपने फर्स्ट हेडिंग स्टार्ट करनी है माउंटेन्स की, जो कि आज हमारी टू हेडिंग्स आएंगी, माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड डेजर्ट, दो हेडिंग्स आएंगी। तो पहले आपने हेडिंग देनी है फिजिकल फीचर्स ऑफ अफ्रीका, या स्टेटमेंट आप इस लाइन की स्टेटमेंट आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं, दीज आर द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ अफ्रीका, या खुद से जो भी आप अपने वर्डिंग में इसको मॉडिफाई कर सकें वो आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने स्टार्ट करना है माउंटेन से, यानी फिजिकल फीचर्स के बाद जो पहली हेडिंग आएगी वो आएगी माउंटेन्स। स्टार्ट करेंगे, द कॉन्टिनेंट इज कवर्ड विद माउंटेन्स ऑन बोथ साइड इंक्लूडिंग द हायर वेस्टर्न माउंटेन इन द वेस्ट सच एज द एटलस माउंटेन एंड द लोअर माउंटेन इन द ईस्ट। देन आपने हेडिंग देनी है प्लेट्यूज एंड डेजर्ट्स, ठीक है, प्लेट्यूज एंड डेजर्ट। द वास्ट मिडल पोर्शन कंसिस्ट ऑफ टू प्लेट्यूज एंड टू प्लेट्यूज वन ऑफ, यहाँ हेडिंग में है ये एंड, ठीक है। स्टेटमेंट जो इसकी फर्दर आप आगे इसका मटेरियल लिखेंगे उसमें नहीं एंड लगाना, ये हेडिंग में आएगा, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ टू प्लेट्यूज वन ऑफ विच इज द इन द नॉर्थ एंड इंक्लूड द सहारा द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड जस्ट बिलो द नॉर्दर्न प्लेट्यू स्टार्ट अनदर प्लेट्यू विच ऑक्यूपाइज द सेंटर एंड द साउथ ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन हाफ होगा और आज आप ये इसको हाफ ही देखेंगे, बाकी रिमेनिंग पार्ट इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। होपफुली अंडरस्टैंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। टेक केयर स्टूडेंट, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।